धर्म जागरण समिति बड़वानी द्वारा रणजीत क्लब पर संझा माता बनाओ गीत गाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालिकाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर उत्साह से भाग लिया। बता दें कि कुल 50 प्रतिभागियों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। यह प्रतियोगिता दो वर्गों में विभाजित थी, वर्ग एक महिलाओं का और वर्ग दो बालिकाओं का। महिलाओं के वर्ग में प्रथम पुरस्कार नितिका तिवारी, द्वितीय पुरस्कार रेणुका भावसार व तृतीय पुरस्कार अंकिता रावत को मिला है। इसी तरह बालिकाओं के वर्ग में प्रथम स्थान शैलजा यादव, द्वितीय स्थान अक्षता तिवारी व तृतीय स्थान कौमारी यादव ने प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में रणजीत क्लब बड़वानी का विशेष सहयोग रहा। समिति की अध्यक्ष निशा गुप्ता ने बताया कि संझा माता एक निमाड़ी लोक पर्व है जो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये संझा माता की प्रतियोगिता है जो कि अभी हमारी संस्कृति से विलुप्त होती जा रही है। तो आजकल ट्रेडिशनल चल गया है कि आजकल बोर्ड ऐसे कुछ भी पेंटिंग से कर लेते हैं, पर जो गोबर की संझा माता जो रियल है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो चली आ रही है। तो वही आयोजन किया गया है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है गोबर संझा माता बना के। पहले की यादें आपको ताज़ा हो गई? हाँ, पुरानी यादें जो बचपन में बनाई जाती। और आज ये जो प्रतियोगिता है धर्म जागरण समिति द्वारा आयोजित की जा रही है, ये प्रतियोगिता संझा माता बनाओ प्रतियोगिता है। संझा माता जो है वो हमारे निमाड़ की लोक संस्कृति है, लोक पर्व है, और यह लोक पर्व आज विलुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि ये त्यौहार लड़कियों द्वारा मनाया जाता है और आजकल लड़कियाँ ये पर्व को मना नहीं रही है। तो इस पर्व को, इस लोक पर्व को, लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए धर्म जागरण समिति द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 प्रतियोगी हैं। पिछले साल भी ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें 36 प्रतियोगी थे, और इस साल ये प्रतियोगी 50 की संख्या में उपस्थित हैं। जी, लोगों में उत्साह बहुत है और लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। बड़वानी से रजनीश हैनेजा की रिपोर्ट।